हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। ट्वीट प्रेगनेंसी के दौरान प्लासेंटा की जो समस्याएं होती हैं वो 3 गुना अधिक आम होती है। इसका रीजन होता है आपकी बच्चेदानी को दो दो बेबी को रखने के लिए बहुत ज्यादा फैलना पड़ता है एंड बहुत ज्यादा ही बड़ा होना पड़ता है। ट्वीट प्रेगनेंसी के दौरान 2 समस्याएं आती हैं, एक आती है लोलाइन प्लेसेंटा एंड एक आती है प्लासेंटा प्रीविया की। ज्यादातर मामलों में ट्वीन्स प्रेगनेंसी के दौरान 18 वीक्स में या फिर उससे ज्यादा वीक्स होने पर प्लासेंटा प्रीविया की समस्या होती है एंड कुछ मामलों में ये समस्या अपने आप ही सॉल्व हो जाती है, बट कुछ मामलों में पूरी प्रेगनेंसी रहती है। प्लासेंटा प्रेगनेंसी के दौरान वो अस्थाई अंग होता है जो कि आपके बच्चे को ऑक्सीजन एंड सारे पोषक तत्व और माँ के ब्लड को फिल्टर करके बेबी तक पहुँचाने का काम करता है एंड इसके साथ ही जो भी बॉडी में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको भी निकालने का काम करता है और ये आपके बच्चे के मल को भी बाहर निकालता है। और ये जो प्लासेंटा होता है वो आपके बच्चे के साथ ही डेवलप होता है एंड बच्चे के साथ ही बाहर निकल जाता है और ये गर्भाशय की दीवार पर कहीं भी स्थित हो सकता है और ये जो भी प्रोसेस होता है सारा नेचुरल होता है, तो ये बात आपको जरूर समझनी चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है। आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आखिर लो लाइन प्लासेंटा एंड प्लासेंटा प्रीविया होता क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो आपकी बच्चादानी होती है वो शुरुआत में बहुत ज्यादा छोटी होती है, लगभग 7 से 7.5 सेंटीमीटर तक की होती है और जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता है 4th, 5th, 6th महीना, तो बच्चेदानी का जो साइज होता है वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा बड़ा होना स्टार्ट कर देता है एंड ट्वीन प्रेगनेंसी में इसका साइज बहुत ज्यादा बढ़ता है दो बेबी होने की वजह से। तो इसके 2 पार्ट हो जाते हैं जिसमें एक पार्ट होता है ऊपर का जिसको बोला जाता है अपर सेगमेंट एंड एक पार्ट होता है नीचे का जिसको बोला जाता है लोअर सेगमेंट। नॉर्मली जो प्लासेंटा की पोजीशन रहती है वो ऊपर की ओर रहती है, जैसे कि एंटीरियर प्लासेंटा, पोस्टीरियर प्लासेंटा एंड फंडू प्लासेंटा। एंटीरियर यानी कि आगे की तरफ एंड पोस्टीरियर यानी कि पीछे की तरफ और फंडू यानी कि ऊपर की साइड। कभी कभी ये प्लासेंटा की पोजीशन ऊपर ना होके क्योंकि ये आपके बच्चेदानी के लोअर पार्ट में स्थित हो जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है लो लाइन प्लासेंटा। और लो लाइन प्लासेंटा आपके लिए बिल्कुल भी घातक नहीं होता है क्योंकि ये सिर्फ बच्चेदानी के निचले हिस्से में रहता है और ये जो आपकी गर्भाशय ग्रीवा होती है मतलब जहां से आपके बच्चे को निकलना होता है वहां पर नहीं जाता है और ना ही उसको टच करता है, इसलिए इससे आपको कोई भी समस्या नहीं होती है और इसमें नॉर्मल डिलीवरी के भी चांस रहते हैं। अब हम आपको समझाते हैं कि प्लासेंटा प्रीविया क्या होता है। तो प्लासेंटा प्रीविया के अंदर 3 कंडीशंस होती हैं। तो सबसे पहली कंडीशंस होती है मर्जिनल प्लासेंटा प्रीविया। इसमें जो आपका प्लासेंटा रहता है वो आपकी जो बच्चेदानी का मुंह होता है जहां से बच्चे को निकलना होता है मुंह के बिल्कुल किनारे पहुंच जाता है बट उसके मुंह को बिल्कुल भी टच नहीं करता है। इसमें आपको और आपके बच्चे को बहुत ज्यादा खतरा नहीं रहता है। इसमें आपको हल्की पुल्की ब्लीडिंग बिल्कुल हो सकती है और इसमें नॉर्मल डिलीवरी के भी पूरे चांस रहते हैं। और जो दूसरा होता है वो होता है पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया और ये आपके लिए थोड़ा सा रिस्की होता है। इसमें जो प्लासेंटा होता है वो आपकी बच्चेदानी के मुंह को आधा कवर कर देता है और इसमें नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसमें आपको ब्लडिंग थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है एंड आपको थोड़ी सी कम भी हो सकती है। और तीसरा होता है कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा रिस्की एंड डेंजरस होता है क्योंकि ये जो प्लासेंटा होता है वो बच्चेदानी के मुंह को पूरा ही कवर कर लेता है और इसमें आपकी नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और इसमें आपकी प्रेगनेंसी का पूरा टाइम ही करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और इसमें आपको बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग एंड आपको बहुत हल्की भी ब्लीडिंग हो सकती है। और लो लाइन प्लासेंटा या फिर प्लासेंटा प्रीविया होने के काफी ज्यादा रीजंस होते हैं, जैसे कि अगर आपकी एज 35 से भी अधिक है और आपकी पहली डिलीवरी सी सेक्शन द्वारा हुई हो या फिर आपकी बच्चादानी में कोई भी बीमारी या फिर गांठ होने की वजह से उसका ऑपरेशन हुआ हो, गर्भाशय फाइब्रॉइड को हटाना या फिर आपको धूम्रपान या फिर शराब पीने की आदत हो। लो लाइन प्लासेंटा के जो लक्षण होते हैं वो हर महिला में अलग अलग हो सकते हैं।
जैसे कि अचानक आपके बजाइना में दर्द के साथ ब्लीडिंग शुरू होना, और ये आपकी जो ब्लीडिंग है वो बहुत हल्की भी हो सकती है एंड बहुत ज्यादा भी हो सकती है। और इस दौरान जो आपकी ब्लीडिंग का जो रंग होता है वो गहरा लाल हो सकता है। आपकी वजाइना से किसी भी तिमाही में ब्लड आए अचानक से, तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। और किसी किसी के तो प्लासेंटा प्रीविया होने की वजह से पूरे टाइम दर्द बना रहता है पेट के निचले हिस्से में, बट किसी किसी को दर्द नहीं भी रहता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्लासेंटा प्रीविया की शिकायत है या फिर लो लाइन प्लासेंटा है, इसको ठीक करने का कोई भी इलाज नहीं होता है, लेकिन जो इसकी वजह से ब्लीडिंग होती है उसको रोकने के काफी ज्यादा तरीके होते हैं। और आपको ये जरूर पता करना है कि आपको लो लाइंग प्लासेंटा है या फिर आपको प्लासेंटा प्रीविया है, तो उसमें से कौन सा टाइप है जो कि मैंने आपको बताया है। और इसका सिर्फ एक ही सलूशन होता है, आपको बेड रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और आपको कितना बेड रेस्ट करना है ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका प्लासेंटा कितना नीचे है, ठीक है। तो डॉक्टर आपको उसी के अकॉर्डिंग बेड रेस्ट बताएंगे। पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया है या फिर कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया है, तो इन कंडीशंस में डॉक्टर आपको पूरी तरह से बेड रेस्ट बोल सकते हैं और आपको बिल्कुल करना चाहिए। और डॉक्टर इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें बेवजह ही ब्लीडिंग कभी भी स्टार्ट हो जाती है, और इसमें आपका बच्चा कभी भी मूवमेंट करता है, थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ता है तो ब्लीडिंग एकदम से होने लगती है। तो ऐसे में डॉक्टर आपको बिल्कुल काम के लिए मना कर देते हैं एंड आपको सिर्फ खाने के लिए और आपको फ्रेश वगैरह होने की ही परमिशन दी जाती है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशंस आती है तो आपको बहुत ज्यादा डिप्रेस नहीं होना है, बल्कि आपको जो भी डॉक्टर बता रहे हैं आप उनको फॉलो करें। अगर आपको कंप्लीट बेड रेस्ट बोला जाता है तो आप बेड पर फ्री ना लेटें, बल्कि आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ती रहें एंड अच्छी अच्छी मूवी देखें और अपने आप को पॉजिटिव रखें, बहुत ज्यादा टेंशन ना लें। और ध्यान रखें कि लो लाइन प्लासेंटा या फिर प्लासेंटा प्रीविया होने पर आपको कोई भी हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है और आपको कोई भी हैवी काम नहीं करना है। आपको बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी है, आप रिलेशन रखने की बिल्कुल भी गलती ना करें कि जब तक कि आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती है, नहीं तो आपको और ज्यादा ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। जब आपका कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया आता है या फिर पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया आता है तो डॉक्टर आपका किसी भी तरीके से इंटरनल चेकअप भी नहीं करते हैं। इसका रीजन होता है कि अगर गलती से भी फिंगर प्लासेंटा में लग जाती है तो आपकी ब्लीडिंग बिल्कुल स्टार्ट हो सकती है। लो लाइन प्लासेंटा का पता लगने पर आपके पेट का अल्ट्रासाउंड एंड आपके ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड की भी जरूरत हो सकती है। अगर आपके डॉक्टर ये अल्ट्रासाउंड करते हैं तो आप उनको बिल्कुल भी मना ना करें। अब हम आपको एक बात और क्लियर कर दें, जो प्लासेंटा के थ्रू जो ब्लीडिंग होती है उसको रोकना कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि आपको ब्लीडिंग कितनी हुई है, आपकी प्रेगनेंसी का कितना टाइम हो चुका है, माँ और बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है, बच्चे की पोजीशंस कैसी हैं एंड बच्चे की गर्भकालीन आयु कितनी हो चुकी है, कि लो लाइन प्लासेंटा का कौन सा प्रकार है। तो आई होप आपको एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। और ध्यान रखें, प्लासेंटा प्रीविया होने पर आपको इमरजेंसी सी सेक्शन की भी जरूरत पड़ सकती है, तो आप अपने आप को मेंटली और फिजिकली तैयार रखें। और अगर आपका कंप्लीट प्लासेंटा आता है या फिर पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया आता है तो हो सकता है कि लास्ट के वीक्स में डॉक्टर आपको एडमिट भी कर ले, तो भी आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। डॉक्टर आपको जो भी सलाह दे रहे हैं आप उनकी सलाह के खिलाफ बिल्कुल भी ना चलें, नहीं तो आपके लिए और बच्चे दोनों के लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर किया करो, आप लाइक नहीं करते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाया करो ताकि आपको ट्वीन्स प्रेगनेंसी से रिलेटेड हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।